आज 45वें भक्तामृत स्तोत्र के 45वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले एक गीत के माध्यम से जो काम आचार्य मानतुंग ने किया वही काम हम इस गीत के माध्यम से कर लेते हैं। ये भी काम वही है। अंदाज अपना अपना लेकिन इबादत परमात्मा की, तरीका अपना अपना लेकिन परमात्मा के प्रति जो प्रेम है जो श्रद्धा है वो एक ही मुकाम पर पहुंच जाती है। गाले रे ओ मन मेरे गाले गीत प्रभु के गाले रे गीत प्रभु के गाले रे ओ गाले रे ओ मन मेरे गाले गीत प्रभु के गाले रे गीत प्रभु के गाले रे ओ गाले रे रूप सलोना मस्त जवानी भक्ति बिना सब फीके रूप सलोना मस्त जवानी भक्ति बिना सब फीके राधा सोनी श्याम बिना है श्याम बिना बंसी के राधा सोनी श्याम बिना है श्याम बिना बंसी के गाले रे ओ मन मेरे गाले भक्ति की बंसी बजा ले रे भक्ति की बंसी बजा ले रे ओ गाले रे ओ मन मेरे गाले गीत प्रभु के गाले रे गीत प्रभु के गाले रे ओ गाले रे पंख बिना है पंछी सुना पानी बिना है मोती पंख बिना है पंछी सुना पानी बिना है मोती धर्म बिना है जीवन सुना दीपक बिन ज्यों ज्योति धर्म बिना है जीवन सुना दीपक बिन ज्यों ज्योति गाले रे ओ मन मेरे गाले भक्ति की ज्योति जगा ले रे भक्ति की ज्योति जगा ले रे गाले रे ओ मन मेरे गाले गीत
गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे, ओ गाले रे। आखिरी में बहुत सुंदर संदेश है, पाप झूठ और मोह माया में जीवन नहीं गवाना, पाप झूठ और मोह माया में जीवन नहीं गवाना, युग युग में के केवल मुनि तो ऐसे फूल खिलाना, युग युग में के केवल मुनि तो ऐसे फूल खिलाना, गाले रे ओ मन मेरे गाले, नैया पार लगा ले रे, नैया पार लगा ले रे, ओ गाले रे मन मेरे गाले, गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे, ओ गाले रे ओ मन मेरे गाले, गीत प्रभु के गाले रे, गीत प्रभु के गाले रे। इस दिल को जितना आप अपने दिलवर से लगाकर रखोगे, उतना ही ये पवित्र रहेगा और इसकी पवित्रता में आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। इसकी पवित्रता में आप कभी उद्विग्न हो ही नहीं सकते। हमारी उद्विग्नता का मतलब है कि हम अंदर से पवित्र नहीं हैं। हमारी पीड़ा यह बताती है, हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारा विषम भाव यह दर्शाता है कि तुम अंदर से खुश नहीं हो। और अंदर से खुश यूं नहीं है क्योंकि हम अपने परमात्मा से जुड़े नहीं हैं, जो सदाकाल आनंद में है, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद। उससे जुड़ने के बाद हम और आप तकलीफ में कैसे रह सकते हैं। और आचार्य मानतुंग ने आज के श्लोक में बड़ी गहरी बात की है, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। क्योंकि ये प्रसिद्ध मालूम है क्यों हुआ? ये प्रसिद्ध इसलिए हुआ कि लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं बीमारियों से। जब भी कभी कोई आता है, गुरु महाराज कोई बताओ ना, संत झटते से ये 45वां श्लोक पकड़ा दे, कर लो बीमारी मिट जाएगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, कि इस श्लोक का उपयोग हम शारीरिक रोग मिटाने के लिए ही क्यों करते हैं? मानसिक रोग भी तो मिटा सकते, और मानसिक रोग से ऊपर आत्मिक रोग को भी तो खत्म कर सकते।
क्योंकि शारीरिक रोग तो बहुत मोटी चीज है, शारीरिक रोग से ज्यादा सूक्ष्म बीमारी है मानसिक रोग, और मानसिक रोग से ज्यादा सूक्ष्म बीमारी है आत्मिक रोग, जिसे हम कर्म कहते हैं। क्योंकि शरीर की बीमारी वात पीत कफ, मानसिक बीमारी चिंताएं, और आत्मिक रोग कर्म। तो आचार्य मानतुंग कहते कि इस श्लोक का उपयोग केवल शारीरिक रोग ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रोग को भी खत्म करने की ताकत इस श्लोक में है। इस श्लोक का मतलब इस श्लोक के जो अधिष्ठाता हैं, इस श्लोक में जिस परमात्मा को पुकारा है, जो समस्त रोगों से मुक्त है। जन्म मरण का तो बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग तो जन्म मरण का ही है, और जिसने जन्म मरण का रोग ही खत्म कर दिया, आप उसको क्यों नहीं पुकारते? आप उससे क्यों नहीं अपना नाता जोड़ते? लीजिए, एक बीमारी का जिक्र किया है, और वो बीमारी के अंदर शरीर के 16 महारोग हैं, 16 महारोग हैं, और उस रोग को प्रतीक माना है, जनक माना है उन सभी रोगों का, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम्पल या उदाहरण इसलिए देना पड़ता है कि आम आदमी समझ सके, क्योंकि अपनी बीमारी से ही आदमी समझ सकता है। इसलिए आचार्य को भी व्यवहारिक भाषा में, हाँ ये ज्यादा अच्छा है कि व्यवहारिक भाषा उसको कहते हैं जो संसारियों के समझ में आ जाए, जो लोगों को आराम से समझ में आ जाए। इसलिए वो आम आदमी की भाषा है, आम बीमारियां हैं जिन बीमारियों से लोग घिरे हुए रहते हैं और जिन बीमारियों का अनुभव है अपने साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या किसी भी साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका नाम लेने से शायद जल्दी समझ जाए। लीजिए, पहले उच्चारण कर लेते हैं और फिर हम प्रारंभ करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोचाम दशा मुपगता च्युत जीविताशः त्वत् पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनः, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनः सोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्यः भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः। उद्भूत, उद्भूत कहते उत्पन्न होने को, उत्पन्न होने को, उद्भूत होना, उत्पन्न होना, उद्भूत। फिर बोला है भीषण, शब्द में ही पता लग रहा है क्या कितना वजन है। भीषण, भीषण यानी भयंकर, भयंकर, जिसके दर्द को हम
जुबा में व्यक्त ना कर पाए। कभी कभी व्यक्ति उस बीमारी के दौर से गुजरता है जिस बीमारी को वो अनुभव तो कर सकता है लेकिन बता नहीं सकता। तो उस शब्द के लिए बोला भीषण, फिर बोला जलोदर, जल जमा उदर। जब पानी पेट में भर जाए, क्योंकि आप याद रख लीजिएगा अधिकांशतः सारी बीमारियां आपके पेट से ही जुड़ी हुई, कि हम जो कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं यहां से तो हम डाल लेते हैं, जाता तो पेट में, और पेट से फिर वो सप्लाई होता है, फिर वो पूरे अंगों में जाता है, क्योंकि हमारा पेट है ना मध्य प्रदेश है ना, इसलिए इस मध्य प्रदेश की चिंता किया करो, पेट की जरूर चिंता किया करो, क्योंकि ये पेट में ही हमारी नाभि होती है। और योग शास्त्र की दृष्टि से देखोगे तो ये जो नाभि है वो हमारा शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र है। इसको हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते, तो वो यहीं से जागृत होती है, कुंडलिनी जागरण, इसको हम कुंडली भी कहते हैं, कुंडली जागरण, ये योग शास्त्र में है। कुंडली जागरण का मतलब होता है हमारी कुंडली के अंदर यानी हमारी नाभि के अंदर यानी हमारे शक्ति केंद्र के अंदर जितनी ऊर्जा समाई हुई है उसमें समाहित है, उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ प्रवाहित करना, यह है कुंडलिनी जागरण। हमारी इड़ा पिंगला जो हमारी नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, जो मेरुदंड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इन हड्डी के अंदर ही दो नाड़ियां हैं, जिन नाड़ियों के बलबूते पर हम उस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। विधा है, एक टेक्निक है, और इस टेक्निक का उपयोग हर कोई नहीं कर सकता, बड़ा खतरनाक है, नौसिखिया अगर करने लगेगा तो जान लेवा भी हो सकती है, क्योंकि ये ऊर्जा बड़ी जबरदस्त होती है, जीवन भी यही देती है, जीवन भी यही लेती है। उपयोग उपयोग की बात है, उपयोग करोगे, सदुपयोग करोगे, आनंद में रहोगे, दुरुपयोग करोगे तो जीवन से हाथ धो सकते हो। ये तो सिद्धि सा गणित है भैया, सिद्धि सी बात है। तो उद्भूत भीषण जलोदर, जलोदर नाम का एक रोग है, पानी जब पेट में भरने लगता है, पहले देखा तो कईयों के पेट इतने भारी हो जाते थे कि उस पेट के अंदर ही सब कुछ ऊर्जा आ जाती, मुंह सूख जाता है, हाथ सूख जाते हैं, पांव सूख जाते हैं, और पेट इतना बड़ा हो जाता है कि कमर झुक जाती है, आंखें निकलने को तैयार हो जाती हैं, आंखें अंदर धस जाती हैं, ऐसी भयानक स्थिति बन जाती है। धीरे धीरे खून पानी बनने लग जाता है, और उस दौर में जब व्यक्ति बोल रहे हैं कि सोच्याम दशाम उपगताश च्युत जीविताश, सोच्याम दशाम, जब सोचनीय दशा हो जाए, सोचनीय ऐसी दशा की आदमी के कुछ समझ में ही ना आए, सोचनीय दशा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो गयो, अब तो पता नहीं क्या होगा, सोचनीय दशा, सोच्याम दशाम उपगता, उपगता कहते उपगत, पहुंच जाना उस दशा, उस कंडीशन में पहुंच जाना, उस दशा में पहुंच जाना, किस दशा में, च्युत जीविताशा, जब जीवित रहने की आशा ही खत्म हो जाए, च्युत जीविताशा, जीवित रहने की आशा ही खत्म हो जाए, जब हमें सामने मौत नजर आने लगे कि अब मैं गया, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैंने, ये बड़ी निराशाजनक शब्दावली है। जब किसी भी पीड़ित को, किसी भी रोगी को यह पता लगता है कि
अब तेरा बुलावा आ गया है और ये बीमारी तेरी जानलेवा साबित होगी। जब जीने की आशा ही खत्म हो जाती है तो उस समय शोचनीय दशा हो जाती है, वो इतना निराशा के गर्त में चला जाता है, अंदर से इतनी घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि जो जीना चाहता है, जिसके अरमान अभी बहुत अधूरे पड़े हैं, जिसने पता नहीं कितनी प्लानिंग बना रखी है, और वो व्यक्ति ऐसी बीमारी के चपेटे में आ जाए, लपेटे में आ जाए कि सोचा क्या था, हो क्या रहा है, ये सब चीजें समझ लीजिए आप कि ऐसी स्थिति में सोचनीय अवस्था हो जाती है। तो उद्भूत, भीषण, जलोदर, भार भुगना, भार कहते हैं, जलोदर भार भुगना, जब पानी पेट में भर जाए, भार भारी हो जाए, भुगना कहते हैं झुके हुए को, भुगना, भार भुगना है ना, इतना भार हो गया कि आदमी सीधा भी नहीं खड़ा हो पाए, झुक जाए, एकदम घुटनों के ऊपर हाथ आ जाए, सीधा भी खड़ा नहीं हो पाए, भार भुगना, झुक गया पूरी तरह से। अगर वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो जान निकलने को होती है, भार भुगना यानी पूरी तरह झुक गया है। भुगना का मतलब झुके हुए को, जो सीधा नहीं हो सकता। अब ये देखिए, ऐसी अवस्था में जब जीने की आशा ही खत्म हो जाए, बिल्कुल निराशा के गर्त में चला जाए, तो उस वक्त जब कोई निराश व्यक्ति दुनिया से, बीमारी से, अपने सभी प्रयासों से निराश हो जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस वक्त अगर वो अगर सम्यग्य है तो, सम्यग्य यानी समझदार है तो, और दूसरी बात कहूं कि अभी उसका जीवन बाकी है तो, क्योंकि सब बातें काउंट होती हैं उसके अंदर, सब बातें काउंट होती हैं, कि उस वक्त अपने जीवन को भगवान के भरोसे छोड़ दे कि बस जो भी पल शेष हैं, जो भी पल बचे हैं, अब मैं दुनिया के काम का तो रहा नहीं, अब मैं अपने भरोसे तो खत्म, अब तो इस मिट्टी का अंत होने वाला है, तो क्यों ना अंतिम समय में भी मैं अपने आप को परमात्मा को ही सुपुर्द कर दूं। अब डॉक्टरों को सौंपने की बजाय, हकीमों को सौंपने की बजाय, लोगों को सौंपने की बजाय, अपना दुख दुखड़ा लोगों के आगे बताने की बजाय, क्यों ना मैं अपने आप को परमात्मा को ही अर्पित कर दूं? मरना तो है ही, लेकिन क्यों ना मैं भगवान के चरणों में मरूं? क्यों ना भगवान को अर्पित कर दूं? ये शरीर पुष्प ही अर्पित कर दूं अपने परमात्मा को। उन पलों में अगर तो कवि का विश्वास देखिए, ये श्रद्धा, क्योंकि आपको मैं बतला देता हूं, आपका विश्वास जितना मजबूत होगा ना, जितना मजबूत होगा, मालूम है आपको, मीरा ने जहर के प्याले को पीने के बावजूद भी मरी नहीं, वो तो वजह तो होगी कुछ ना कुछ तो, जबकि जहर में तो मारने की ताकत है, वो जहर भी उसे मार नहीं पाया, क्यों? वो जहर का प्याले में उसने जहर नहीं देखा, उसने इतनी शिद्दत से अपने कृष्ण कन्हैया को देखा, अपने मुरलीधर को देखा, अपने बंसीधर को देखा, अपने असली सखा को देखा,
जिसकी वो दीवानी थी उस दिलवर को देखा। नीला रंग है, परमात्मा का भी नीलांबरी है, वो नीलांबर है नीले, तो उस नीले रंग में उनको श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। वो इतनी डूबी हुई थी कृष्ण में, इतनी डूबी हुई थी कृष्ण में कि उस कटोरे में जैसे वो कटोरा सामने आया और महाराणा ने कहा कि पी ले, क्योंकि वो दुखी आ चुके थे कि इसकी वजह से मेरा अपमान होता है, क्योंकि वो महारानी थी और गलियों में दीवानों की तरह घूमा करती थी, नाचा करती थी, नाचती हुई अपने मंदिर में जाया करती थी। उस मंदिर को देखा है जहां मीरा बैठा करती थी, चित्तौड़गढ़ के अंदर किले के अंदर वो मंदिर है जहां पर मीरा बैठा करती थी और अपनी अपना बंसी गीत गाया करती थी, नाचा करती थी, बजाया करती थी, जो भी उसके हाथ में सितार या जो भी चीज आती थी उसको लेकर के वो नाचा करती थी, बोला करती थी। तो वो जगह देखी है। तो दिया था जहर का प्याला, लेकिन उस जहर के प्याले को देखा तो उसे श्री कृष्ण नजर आए। ये देखिए अंदर का एक ऐसा केमिकल होता है, ये रसायन, केमिकल तो गंदा शब्द है पर लेकिन उसको इंग्लिश में ही केमिकल बोलते हैं, वैसे तो हिंदी में रसायन बोलते हैं, रस, जो भी रस है आपका, और इसको हार्मोन्स भी बोलते हैं हम। हार्मोन्स के अंदर भी ये सब रसों का प्रवाह चलता है, उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं, उसमें दुख देने वाले भी हार्मोन्स होते हैं। बीमारी को बीमारी की तरफ, निराशा निराशाजनक यानी डिप्रेशन में चला जाए तो भी वो हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है, कि कुछ चीजें ज्यादा हो जाती, कुछ चीजें कम हो जाती है। ये इसी असंतुलन को ही तो हम बीमारी कहते हैं। तो श्री कृष्ण नजर आए उसमें उनको, और श्री कृष्ण को देख के इतनी दीवानी होगी, जैसे वो प्यार करने लगते हैं ना, प्यार, जैसे कोई अपना प्रिय मिल जाए तो आदमी एकदम उसके चिपक जाता है दीवानों की तरह, तो उसने एकदम मुंह पे लगा लिया। तो कहने को जहर पिया है लेकिन मीरा ने श्री कृष्ण को पिया है। तो कृष्ण तो अमृत पुरुष है, तो जहर को अमृत बनाने की कला भी हमारे में है। किसको बोला? जहर को अमृत बनाने की कला भी हमारे में है और अमृत को जहर बनाने का कमाल भी हमारे अंदर। हम अमृत को भी जहर बना सकते हैं। अगर जहर को अमृत बनाया जा सकता है तो यह बात साबित हो गई है कि अमृत को भी जहर बनाया जा सकता है। ये तो मानते हो आप भी, आप जहर को भी, क्योंकि आप कितना भी पौष्टिक पदार्थ खा लो, कितने भी अच्छे विटामिन्स मिनरल्स खा लो, लेकिन अंदर ही माथा फोड़ी करते रहो, चिंता में बैठे रहो, हाय के होगा मेरो, अब तो भाई बेकार हो गयो, अब लगेगा क्या, वो अमृत भी जहर बन जाए। ये चीज कह रहे हैं ये। तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा, कमाल है। हे आचार्य मान, तुम्हारी भक्ति बड़ी कमाल की है, तुम तो वास्तव में अंधकार में प्रकाश का नाम हो, तुम तो निराशा के अंधकार में आशा की किरण हो प्रभु। बेशक आप इसकी रचना करके चले गए, लेकिन हे आचार्य मान, तुम आप शरीर से गए हो, आपकी आत्मा तो भक्तामर में ही रह गई, आपकी आत्मा तो इन शब्दों में ही छुपी रह गई। ये भक्तामर स्तोत्र ही आचार्य मान तुम को अमर बना गए, क्योंकि इसके एक एक पदों में, एक एक शब्दों में आचार्य मानतुंग मौजूद हैं। वो शरीर नहीं है, लेकिन ये भक्तामर का जो शब्दाकार है, शब्द रूपी शरीर है, इस शरीर में स्तोत्र एक शरीर है और इस शरीर में मानतुंग की भक्त आत्मा विद्यमान है, मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। इसलिए
मैं भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से कहता हूं कि आचार्य मानतुंग स्वर्गीय हो ही नहीं सकते। उन्होंने जितनी अद्भुत, जितनी भावुकता में भर के, आत्मीयता में भर के, भक्तिमय होकर के भक्तामृत में अपने आप को पिरो दिया, अपने आप को समाहित कर दिया, ये उनका समर्पण भक्तामृत स्तोत्र के साथ साथ आचार्य मानतुंग को अमर बना गया। तो बोल रहे हैं कि त्वत्पाद पंकज रजोमृत, पंकज रज, चरण रज, चरण रज, ये जो पंकज रजोमृत यानी आपके चरणों की जो रज है, आपके चरणों की जो धूल है, वो धूल भी अमृत का काम करती है। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, रजो मृत, रज जमा अमृत, ये दोनों मिलकर के बने हैं धूलामृत। इसको धूलामृत भी कह सकते हैं, रजो मृत भी कह सकते हैं, धूलामृत यानी धूल रूपी अमृत, रज रूपी अमृत, रजोमृत या मरा हुआ नहीं है, रजोमृत यानी आपकी धूल में भी अमृत का स्वभाव है। त्वत्पाद तुम्हारे चरण कमल रूपी रज की धूल रूपी अमृत में दिग्ध देहा, दिग्ध देहा, दिग्ध देहा यानी अमृत से लिप्त शरीर वाले होकर, यानी दिग्ध देहा का मतलब है जिस देह में आपकी चरण रज रूपी अमृत चली गई है और उस अमृत की मौजूदगी में यह शरीर दिग्ध देहा बन गया, यानी यह शरीर भी अमृत बन गया, यानी यह शरीर भी रोग से मुक्त हो गया जिसे जीने की आशा ही नहीं थी और वो जीवित ही नहीं हुआ बल्कि मर्त्यहा मर्त्यहा भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा मर्त्यहा। मर्त्यहा का मतलब होता है मनुष्य, ये शब्द मनुष्य के लिए भी बोला गया मर्त्यहा, है ना। क्यों बोला वो, इसलिए बोला कि मरना तो है एक दिन, जन्म के साथ ही हमारा कनेक्शन मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। तुम अपने आप को कितना ही कहो हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, कितना ही कहो, लेकिन हर रोज एक सांस, बोलो बोलो, कम हो रही है, एक एक सांस, हर रोज हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो जीने का ख्याल मत करो, क्योंकि कहते हैं जिसे हम बस्ती कहते हैं, है ना, बस्ती कहते जहां हम बसते हैं, जहां हम रहते हैं उसे हम बस्ती कहते हैं, और शमशान उसको कहते जहां हम जलते हैं। आपने देखा यह कमाल की बात है, आश्चर्य की बात है ना, कि जिसमें तुम रहते हो वहां से एक ना एक दिन निकलना ही पड़ेगा। और मुर्द घाट ऐसा है, मुर्दा घर ऐसा है, शमशान घाट ऐसा है, वहां जाने के बाद तुम वहीं रह जाते हो, जाते ही नहीं कहीं, नहीं समझे, तुम वहीं रहते हो, मतलब वहीं तो घर घर बसाया बसने के लिए, लेकिन निकलने के लिए यूं बोला करो, ये मत का करो जी ये घर में अपने रहने के लिए बना रहा हूं, ये सोच लिया करो ये घर में यहां से निकलने के लिए बना रहा हूं। हाँ, काय को गफलत में पाल, ये तो मान जाओ, मान तो लो। आप बोलते हो निवास स्थान, हंसी आती है मुझे, निवास स्थान, ये निवास स्थान नहीं है, यह वास नहीं है, यहां से निर्वासित होने वाले हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो दिन मुकर्रर है भैया, काहे को यार तुम दिमाग खराब करते हो आप, ये काहे को, ये मेरा घर है, ये मेरा निवास स्थान है, कभी कभी सोच लिया करो, यहां मैं रहने के लिए नहीं आया, यहां से निकलने के लिए आया हूं, मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। तो मर्त्यह, ऐसा मृत्यु जिसके साथ जुड़ी हुई है,
दूसरा शब्द यह है जो बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, क्योंकि बीमारी है, बीमारी जिसने अपने आप को मरा हुआ समझ लिया है, जिसने जीने की आशा ही छोड़ दी है, वो मर्त्या है। शरीर इतना भयावना हो गया, इतना डरावना, आपने कभी पता नहीं वो शरीर देखा हो नहीं देखा हो, क्योंकि कभी कभी बीमारी ऐसी आ जाती है आदमी के सौंदर्य को निचोड़ करके रख देती है। मतलब आदमी जो अभी सुहाना लगता था, इतना मन भावन लगता था, बीमारी कभी कभी उस सिचुएशन में ला करके रख देती है शरीर को कि वो शरीर ही डरावना लगने लग जाता है, इतना डरावना रूप बन जाता है, बीमारी है भैया। तो बोल रहे कि मर्त्या भवंती, ऐसे जो बिल्कुल मृत्यु के निकट हैं, जिनका शरीर बेरोप बेड अडोल बदरूप हो चुका है, भयानक हो चुका है, मकर ध्वज तुल्य रूपा। वाह, मकर ध्वज कहते कामदेव को, और कामदेव जो होता है बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि उसका सौंदर्य अंदर दबे हुए जज्बातों को भी ऊपर ला देता है, इसलिए सौंदर्य कहीं ना कहीं हमारी दबी हुई वासनाओं को भी जिंदा कर देता है, क्योंकि रूप है, और जो रूप के प्रेमी होते हैं वो कहीं ना कहीं विचलित भी हो जाते हैं। तो ये रूप क्या कि विषय है भैया, विषय है, ये नेत्र का विषय होता है, आंखों का विषय होता है, तो कभी कभी रूप के ऊपर ये जो पतंगे मर जाते हैं, दीप शिखाओं पर जल जल के मर जाते हैं, तो वो उसकी ज्योत पे तो मरते हैं। किसकी ज्योत पर? पतंगा किसके ऊपर मरता है? क्षमा पर मरता है ना, ज्योत पर मरता है, क्योंकि वो चमकती है, ज्योत चमकती है, और उस चमक के ऊपर वो मोहित हो जाता है, और वो उसके ऊपर मंडराने लगता है, और जब वो मंडराने लगता है तो आप और हम क्या सोचते हैं, भाई ये तो गयो। क्योंकि जो उस ज्योत के ऊपर मंडरा रहा है, पतंगा पतंगा, यानी जिस दिन उसके अंग में वो पतंगा लग गया, पतंगा, तो शरीर जलने वाला है। तो आप सोचिए, मतलब कामदेव जो है वो बड़ा सुंदर होता है। अभी जो आदमी बिल्कुल रोग पीड़ित हो गया था, कोढ़ ग्रस्त हो गया था, रुग्ण हो गया था, कोढ़ चू रहा था, शरीर गल रहा था, बेहद बेढंगा रूप हो गया था, और देखते देखते हे प्रभु तुम्हारे चरणों की रज का अमृत पान करते ही, रज का स्पर्श होते ही, वो मरने वाला, जीवन की आशा छोड़ने वाला व्यक्ति एकदम कामदेव की तरह खूबसूरत हो जाता है। पर लेकिन ये हो सकता है, आज भी हो सकता है, लेकिन कमी कहां रहती है मैं बताऊं? कमी रहती है डाउट्स में, डाउट में। इलाज कराते कराते भी आप ये सोचते पता नहीं मैं ठीक भी हूंगा, यार इतनी दवाइयां खा ली कुछ हुआ तो है नहीं, इससे भी क्या होगा। अब बताओ दवाई भी खा रहे हो, है ना, कभी कभी तुम ऊपर से भी आते हो हमारे पास, हमारे पास भी आ जाओ, मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारे पास भी आते हो तो हमें सिर्फ इतना प्रेम भी करते हो, लेकिन फिर भी डाउट होते हो, या नहीं 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 किस्मत नहीं बदल सकती। आप किस्मत की बात को एक तरफ मत, एक तरफ रख दिया करो, आप ये सोचा करो कि यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब पारस का स्पर्श करके लोहा सोना भी तो हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? यह होता है आपका संकल्प। मैं आपको यही कहता हूं, आप कितनी मात्रा में जुड़े हो, आप भक्ति के दौरान, आपको मैं बतला देता हूं, कईयों को रिजल्ट नहीं आते भक्ति से, पर रिजल्ट के लिए आप उस शक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, आप उसके लिए अपनी कमजोरी को जिम्मेवार ठहराया करो। आप ये सोचा करो कि मेरी लगन में ही कोई कमी है, मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई, या अशुभ कर्म की वजह से इस रोग को मेरे से दूर नहीं जाना है, इसलिए इस रोग के प्रभाव से और अशुभ कर्म के प्रभाव से, वेदनीय कर्म के प्रभाव से जो मेरा मन भगवान की भक्ति में लगना चाहिए था वो लग नहीं रहा, लग नहीं रहा। नहीं तो भैया एक बार अमृत से जुड़ जाओ तो अमृत तो बनोगे ही बनोगे। आपको बताओ तिब्बत के अंदर
तिब्बत के अंदर एक साधना पद्धति में आचार्य मान गया उसको, जब उस दृश्य को मैंने पढ़ा, तिब्बत के अंदर एक साधना पद्धति होती है, एक गुरु जब शिष्य को गुरु धारणा देता है, यहां तो होड़ लगी है, ले ले गुरु धारणा, ले गुरु धारणा, अब चेला बन जा, गुरु धारणा ले ले। लेकिन मालूम है तिब्बत के अंदर एक गुरु शिष्य बनाने के लिए या एक शिष्य को, एक व्यक्ति को शिष्य बनने के लिए अपनी एक कसौटी से गुजरना पड़ता है उसको। और वो कसौटी मालूम है कौन सी है? कि हिमालय के ऊपर जाना। हिमालय का मतलब तो आप जान गए, जहां पर बर्फ पड़ रही होती है। तो गुरु एक कसौटी देता है जिसको शिष्य बनना है, कि पहले वहां जा और उस बर्फ की शिला पर बैठकर कपड़े उतार, और कपड़े उतार करके अंतर अपनी बॉडी को जर्नेट कर, अपने अंदर गर्मी पैदा कर, और गर्मी इस कदर पैदा कर कि तू पसीने से तर बतर हो जाए। जब तू पसीने से तर, तुझे पसीने से तर बतर होते हुए देख लूंगा, उस वक्त मैं तुझे अपना शिष्य बना लूंगा। वहां ये साधना पद्धति है, और वहां बर्फ की शिला पर बैठकर पसीने से नहाते हैं लोग, यानी उन्हें शिष्य बनने की कितनी उत्कंठा है, शिष्य बनने की कितनी तड़फ है वहां। वो यानी आत्मा में हर चीज मौजूद है, इसके अंदर हर करिश्मा मौजूद है। आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति जितनी सुदृढ़ होती जाएगी, उतना ही उसका रिजल्ट, मैंने बोला था ना कि जहर को भी अमृत बनाने की ताकत हमारे संकल्प के अंदर है, हमारे अंदर है, और अमृत को जहर बनाने की भी ताकत हमारे अंदर है। कर्म से मुक्त होने की ताकत हमारे अंदर है, तो कर्म से बद्ध होने की भी तो ताकत हमारे अंदर है। हम कर्मों को अगर बांध सकते हैं तो कर्मों को हम तोड़ भी सकते हैं। अगर बांधने की ताकत है तो हमारे अंदर तोड़ने की भी शक्ति है। तो इसको आप समझिएगा। मैं एक जगह पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा शब्द आया, वो लाइनें लाया हूं लिख करके। बोले कि व्हाट डू यू गेन बाय प्रेइंग, द बेस्ट आंसर गिवन बाय स्वामी विवेकानंदा। कि प्रेइंग, प्रेइंग यानी प्रे से, यानी प्रार्थना से तुम क्या प्राप्त करते हो, व्हाट डू यू गेन बाय प्रेइंग, तुमने प्रार्थना से क्या प्राप्त किया। तो द बेस्ट आंसर गिवन बाय स्वामी विवेकानंद, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया, दी बेस्ट आंसर, तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते कि आई गेन्ड नथिंग। दीवाना हो गया इस शब्द का मैं, आई गेन्ड नथिंग बाय प्रेइंग, मैंने प्रार्थना से कुछ भी नहीं पाया। ओए होए, मैंने प्रार्थना से कुछ भी नहीं पाया। आई गेन्ड नथिंग बाय प्रेइंग, कुछ नहीं पाया। इनफैक्ट असलियत में, वास्तव में आई लॉस्ट। अब आगे जाना, गौर करना, वास्तव में सचमुच मैंने खोया, खोया, आई लॉस्ट। क्या? एंगर, डिप्रेशन, जेलसी, इरिटेशन एंड इनसिक्योरिटी। मैंने प्रार्थना से कुछ पाया नहीं बल्कि खोया। ये अंदाजे बयां है, ये अपना अपना अंदाज है, ये अपनी अपनी मानसिकता है। मैंने खोया है, खोया है। किसको? क्रोध को। प्रार्थना से मैंने किसको खोया? मैंने पाया नहीं बल्कि, क्योंकि ये शब्द क्यों बोला, क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। तो जो चीज आई है वही जाएगी, जो है
रहने वाली है, जिससे बड़ी है, जो स्वभाव है, वो कभी जाएगा नहीं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने शांति को प्राप्त किया, क्योंकि शांति तो मेरा स्वभाव है। मेरी शांति को जिसने डिस्टर्ब किया, मेरी शांति को जिसने खोया, मैंने उसको खो दिया। किसको? क्रोध को, डिप्रेशन, तनाव को, जेलिसी, ये गौर कर लेना आप। तभी मैं कहता हूं आप लोगों को, मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं कि भक्ति करते हुए भी अगर क्रोध बढ़ रहा है तो फिर सोचना तो पड़ेगा कि क्रोध भक्ति से ज्यादा पावरफुल है ना। भक्ति पावरफुल होती तो क्रोध चला जाता। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जो ज्यादा तपस्या करते, ज्यादा धर्म ध्यान करते, वो ज्यादा ही क्रोध करते। जिन घरों में ज्यादा स्वाध्याय होता है, जिन घरों में ज्यादा सामायिक होती है, जिन घरों में ज्यादा तपस्या होती है, वहां ज्यादा झगड़े हो रखे हैं। और मैं समझ में नहीं पाया कि भाई कमाल है, जहां इतना धर्म ध्यान हो रहा है, इतना प्रतिक्रमण होता है, जहां स्वाध्याय होता है, पोषद होता है, संवर होता है, स्वाध्याय होता है, फिर वहां झगड़ा क्यों? आश्चर्य तो लगेगा ना। ये तो वही हो गया ना, जो जो दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया, जबकि दवा तो हम मर्ज को घटाने के लिए खा रहे थे। दवा का उपयोग, औषधि का उपयोग तो मर्ज को, बीमारी को दूर करने के लिए खा रहे थे, जो बीमारी बढ़ क्यों गई? तो ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब यही है कि भगवान की उपस्थिति में भी हम बाहर ही जुड़े हुए हैं। दो लाइनें बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं, प्रभु नाम की औषधि, प्रभु नाम की औषधि, सत्य भाव से खाए, प्रभु नाम की औषधि, सत्य भाव से खाए, रोग पीड़ा व्यापे नहीं, रोग पीड़ा व्यापे नहीं, सब संकट टल जाए, रोग पीड़ा व्यापे नहीं, सब संकट टल जाए। क्या बात है, प्रभु नाम की औषधि सत्य भाव से खाए ना। सत्य भाव किसको कहते? सचमुच भगवान का होकर के, भगवान का होकर के प्रभु का नाम ले, क्योंकि प्रभु नाम की औषधि सत्य भाव से खाए, रोग पीड़ा व्यापे नहीं, सकल कष्ट मिट जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, चाहे मैं संत हूं, चाहे कोई भी हूं, चाहे मैं भक्त हूं, चाहे मैं साधनाशील साधक हूं, लेकिन अगर मेरे ऊपर रोग का आक्रमण हो रहा है तो कर्म का तो प्रभाव है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर जो विभाव है, विभाव यानी संसार के प्रति, विषयों के प्रति, राग द्वेष के प्रति, कषायों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जो विभाव अवस्था है, वो विभाव अभी हमारा स्वभाव में तब्दील नहीं हुआ है। साधक बन गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? मैं साधक बन गया, तपस्या कर ली तो क्या हो गया? साधक बनने के बाद, तपस्या होने के बावजूद भी तो मैं भगवान से अलग हो सकता हूं, क्योंकि अगर मैं कसायों से जुड़ा हुआ हूं, महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हूं, तो एक तो बात पक्की है। और कई लोग तो मान प्रतिष्ठा के लिए ही भगवान की पूजा करते हैं। बताओ, ये जो बड़े बड़े साधु माला माला जाप करते रहते ना, मैं कभी उनकी गहराई में चला जाता हूं तो पूछ लेते, भाई आप इतना माला जाप? उन्होंने कहा जी बस इसमें लिखा है, इच्छा पूर्ति मंत्र है, इसका मतलब है मान सम्मान बढ़ेगा। यानी मैं सम्मान पाने के लिए, सम्मान पाने का मतलब जानते हो, अभिमान बढ़ाने के लिए। अगर मैं सम्मान पाना चाहता हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर अभिमान की प्रचुरता है, और अभिमान की उपस्थिति में ही मैं सम्मान पाने की इच्छा रखूंगा। अगर मैं सम्मान पाने के लिए भगवान का नाम ले रहा हूं
तो एक बात तो डेफिनेट हो गई है कि मैं भगवान को भगवान के रूप में नहीं प्राप्त, मैं भगवान से कुछ पाना चाहता हूं, भगवान को पाना नहीं चाहता। यहां पर इतना महीन फर्क है, मैं भगवान से पाना चाहता हूं, भगवान को पाना नहीं चाहता। भगवान को पाना ही सत्य भाव की भक्ति है। दिखने में मैं भगवान का भक्त हूं लेकिन भगवान से कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूं, इसलिए असर नहीं होता। बड़े बड़े साधकों के ऊपर, जो हमारे ऊपर भी बीमारियों का अटैक आ जाता है, वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी हमारे कसाय ज्यादा हैं, अभी हम कसायों की दुनिया में रहते हैं, विषयों की दुनिया में रहते हैं, अभी हम महत्वाकांक्षाओं की दुनिया में रहते हैं, अभी हम मान सम्मान की दुनिया में रहते हैं, अभी हमें दूसरा कोई बुरा लगता है, और कभी कभी हम अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं और दूसरों को घटिया मानते हैं। ऐसी मानसिकता के साथ मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि साधना करने के बावजूद भी साधक बीमार क्यों हो जाता है, उसके अंदर कारण हम हैं, हम स्वयं हैं। यह हमें स्वीकार करना चाहिए कि अभी हम स्वभाव में नहीं आए हैं। या तो क्योंकि कई लोग तो भगवान का नाम डर के मारे लेते हैं, है ना, जैसे बता दिया तेरे ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव है और मंगल ग्रह को टालने के लिए भगवान का नाम ले रहा है। लो जी, अब मंगल ग्रह को टालने के लिए अगर वो कह रहा तो एक इच्छा तो पैदा हो गई ना कि चलो भगवान का नाम लूंगा, मंगल ग्रह का टल जाएगा, और फिर हिसाब लगा रहा है यार इतनी माला जाप कर ली अभी मंगल ग्रह का प्रभाव कुछ कम नहीं हुआ, यानी भगवान की भक्ति करते करते भी मंगल ग्रह को देख रहा है। अबे भगवान को देख, भगवान को देख, काहे को उस ग्रह के अंदर उलझ गया। पर लेकिन उलझ जाता क्योंकि हम उसके लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है या नहीं, आ गई आई, तो ये जो बोल रहे हैं कि मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, ये तभी होता है जब हम अपने आप को भगवान को अर्पित कर देते हैं। ये बड़े चमत्कार हुए महापुरुषों की, थूक दानी का जो राख हुआ करती थी उससे कईयों के कोड मिटे। ये बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज साहब, हरफूल सिंह बस्ती के अंदर एक व्यक्ति है जिसको एक व्यक्ति था जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि एक दो दिन की जिंदगी है। निराश होकर के उसने कहा था अपनी पत्नी को कि तू थानक में जा और जिस बर्तन के अंदर बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव थूकते हैं वो कभी कभी ऊपर, पहले क्या करते थे संत अपने थूक दानी को राख डालते थे और राख को सुखाया करते थे धूप के अंदर, अखबार के ऊपर डाल करके सुखाया करते थे ताकि उस राख को दोबारा उपयोग में कर सकें, उपयोग में ला सकें, क्योंकि बेशक तू चोरी कर ला कुछ ही कर। ये देखो श्रद्धा थी कि थूक के ऊपर भरोसा था, वो चुपचाप उसमें से थोड़ी सी राख उठा करके चोरी से, क्योंकि ऊपर थी गई चुपचाप, चोरी तो चोरी है, चुपचाप गई और ले आई राख और कहा कि एक ये सारी राख मेरे शरीर पे लगा दे। शरीर पे लगाया तो रोग मिटने लगा। डॉक्टर इंतजार कर रहा, अभी जैन साहब मरो नहीं, अभी गयो नहीं, वो तो अर्थी देखना चाह रहा था। एक हफ्ते बाद सोटी टेकता टेकता वो बंदा ही उसकी दुकान के आगे पहुंचा, उनका है सेठ जी क्या हुआ, आ आ आ, 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 आ। वो मुंह खुला रह गया डॉक्टर का, नुके डॉक्टर कह रहा तो जाने वाला था, नुके जी चमत्कार हो गए हो, नुके क्या हो गया कि क्या बताओ, गुरुदेव की थूक दानी की अंदर जो राख थी जिसमें वो थूका करते थे वो थूक ही मेरे जीवन का अमृत बन गए। ये श्रद्धा, कभी श्रद्धा नहीं तो हम घृणा कर जाते हैं, कई लोग तो कहते हैं कीटाणु है इसके अंदर, घृणा कर जाते हैं। तो आप ये देखिए श्रद्धा का चमत्कार, मैं तो यही कहना चाहता हूं, यही बात कह रहे कि त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, क्योंकि उस धूल को भी अगर हम अमृत समझ जाते, उस धूल के कण में अपने गुरुओं को देख लेते हैं, उस श्रद्धा का चमत्कार है। बस मेरा कहने का मतलब यह है श्रद्धा का चमत्कार है। आपका समय हुआ तो ये श्लोक बीमारी मिटाने के भी काम आता है, थोड़ा और गहराई में जाओगे तो कर्म की बीमारी मिटाने की भी ताकत इस श्लोक के अंदर है।